आज का स्पेशल हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। तो चलिए बनाते हैं ढोकला। मार्केट से कोई भी 200 ग्राम का ढोकले का पैकेट ले लें, उसको एक अच्छे से कंटेनर में खाली कर लें। कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हो, 200 ग्राम का पैकेट होना चाहिए। ढोकले के आटे में 1 चम्मच तेल और 2 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें। याद रखिए, जिस कंटेनर से ले रहे इसी तरह से आप भी ले लें और उसको अच्छे से मिक्स करें। उसमें गुठलियाँ ना होने दें, यानी छोटे छोटे लम्स होने ना पाए, इसकी फिक्र करें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि मिक्स कैसे किया जा रहा है। अगर थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ भी होती है तो उसे आप चम्मच के ज़रिए जब मिक्स करते हैं तो उसको आपके कंटेनर के दीवार पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इसी तरह से पूरा मिक्स कर ले तो साथ ही थोड़ा सा आटा जो आप मिक्स कर रहे हो फूलने लगेगा। जैसे जैसे आप फेटेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, जितना अच्छा मिक्स करें उतना ज़्यादा फ्लफी आपका ढोकला बनेगा, उतना ज़्यादा बाउंसी ढोकला बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर स्टैंड बाय के लिए रख दें। एक बड़ी अच्छी सी प्लेट लें, जिस तरह से आपको दिखाई जा रही है। इस प्लेट पर 1/2 से 1 चम्मच तेल डालें और उसको पूरी तरह से प्लेट पर फैला लें, ओके, ताकि आपका ढोकला उस पर चिपके ना। फिर जो हमने मिक्स किया हुआ ढोकले का पूरा आटा है उसको हम इस प्लेट में डाल देंगे। पूरी तरह से डाल दें और इसको अच्छे से फैला लें, पूरी प्लेट में वो फैलना चाहिए। इसके बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा टैप कर लें ताकि वो मिक्स हो। फिर एक बड़ी कढ़ाई लें, उसके अंदर 1 से 2 ग्लास पानी डाल दें। उसके अंदर फिर अपना प्लेट रखने के लिए छोटा सा स्टैंड, या आप उसको प्लेट स्टैंड रख सकते हैं, उसमें 1/2 नींबू डाल दें ताकि आपकी जो कढ़ाई हो ख़राब ना हो। जाली वाला प्लेट भी आप उल्टा रख सकते हैं। उस प्लेट के ऊपर आप आपका जो ढोकला हमने रखा था बड़ी प्लेट में वो रख दें। फिर उस कढ़ाई को अच्छे से कवर करें, ओके। कवर करने के बाद 15 मिनट तक गैस फुल पर रखें। 15 मिनट तक, पूरे 15 मिनट होने के बाद जब आप प्लेट निकालेंगे तो आप चेक कर लें कि ढोकला बाउंसी फ्लफी हुआ है या नहीं, ओके। पूरी तरह से अगर फ्लफी हो गया तो उस प्लेट को निकाल लें, उसको देख लें और उसको अच्छे से आपको जिस साइज़ में चाहिए उस साइज़ में उसको कट कर लें प्लेट के अंदर ही। चाकू के ज़रिए आप उसको आपके जैसे चाहिए उस साइज़ में आप सिंपल सा चाकू घुमा देंगे तो कट हो जाएगा, ओके। इसको बाहर निकाल कर भी आप कट कर सकते हैं या प्लेट के अंदर भी आप कट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इसको तड़का देंगे या इसके ऊपर थोड़ा सा चटनी देंगे। कि चटनी कैसे बनाएंगे हम ढोकले की, पहले जो कट किया हुआ ढोकला है उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। उसके बाद एक दूसरे कंटेनर में 2 चम्मच तेल लें, उसके अंदर उसको धीमी आंच पर रखें। उसके अंदर फिर 1 चम्मच जीरा डालेंगे हम, ओके, तड़के के लिए। तो 1 चम्मच जीरे के बाद 1 चम्मच राई उसको डाल दें, अच्छे से उसको गर्म होने दें, ओके। उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे, ये अच्छे से हो गया तो इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च जो बीच से कट की हुई है और कड़ी पत्ता, ये डालकर थोड़ा सा तड़का दे देंगे। जैसे ही हरी मिर्च वगैरह थोड़ा सा ये हो जाएगी तो हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ओके। इसको अच्छे से फ्राई बनाएंगे हम, तो फ्राई होगा तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और पानी। पानी बहुत थोड़ा डालना है, जितना आपको लिक्विड फ्राई में लगेगा। फिर इस तरह से आपको आपका तड़का वाला दिखेगा। तो तड़के को गरम गरम ही आप आपका जो ढोकला हमने कट किया था उसके ऊपर प्लेट पर डाल दें इस तरह से, ओके। ये हो गया आपका खमंग ढोकला रेडी फॉर सर्व।